आप सब लोग वेलकम बैक टू आवर चैनल टू फॉर एवर। सब ठीक ना? सब बढ़िया। ओके, आप जैसे देख सकते हो कि हम लोग वही पोजीशन में फिर से आपको वेलकम कर रहे हैं। एंड अभी लेकिन टाइम में डिफरेंस है, अभी टाइम हुआ है 6:30 शाम के। हाँ, हम लोगों ने पूरा दिन आज रेस्ट किया, बिकॉज इतने दिन से हम लोग उठ रहे भाग रहे ऐसे पेन हो रही थी ना, सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब सुबह हम लोग 11:30 करीब उठे, फिर वी हैड लंच डायरेक्टली एंड देन अगेन आई स्लेप्ट। मैंने नेल पॉलिश चेंज किया, वी स्लेप्ट, लोग वापस सो गए। पहले मैं सोई, मैंने बोला सागर को नींद आ रही, बस हो गई। फिर मैंने सागर को फाइनली बोला चलो उठते अब जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे DLF साइबर हब, जो कि पूजा का फेवरेट जगह है, क्योंकि वहाँ पे है मेरा फेवरेट कियोस्क, जहाँ पे मैं खाऊंगी ब्लूबेरी चीज केक। लास्ट टाइम भी खाया था, सबसे पहली बार मैंने लास्ट टाइम खाया था, जब मेरे को बहुत पसंद आया था। एंड कियोस्क का ज्यादा ब्रांचेस है नहीं यहाँ पे, एक या दो ही ब्रांचेस है। तो हम लोग सोचा वहीं चलते हैं। मेरा गला भी है ना, हम लोग दोनों का गला एक्चुअली दुख रहा है अंदर से ना, पता नहीं क्यों। मैं भी रात के टाइम पे ज्यादा दुखता है। हां, पोल्यूशन भी थोड़ा दिल्ली में थोड़ा ज्यादा है, एंड प्लस थोड़ा सा हमें पहले से था, बट वो रिकवर हो गया था, बट फिर भी पेन थोड़ा थोड़ा रात में सोने के टाइम, थोड़ा सुबह उठने के टाइम थोड़ा दुख रहा है। तो गाइस, मैंने फाइनली आज मेकअप किया है, फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन का मुहूर्त आज दिख रहा है, क्योंकि 6:30 है अभी। ये क्या बोलते हैं इसको, मौसम अच्छा है बाहर, पसीना नहीं आएगा। और वैसे भी हम लोग जा रहे हैं आज ओला में, मेट्रो में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेट्रो से यहाँ से 19 स्टेशन है, तो नहीं हो पाएगा यार। तो हम लोग बोला कि ओला से जाते हैं, और यहाँ से वो मेट्रो एक्चुअली बहुत दूर भी है, बहुत मतलब अराउंड 2 किलोमीटर तक तो चल के जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर नहीं, हमारे होटल से तो हाँ वही 2 किलोमीटर के ऊपर है, तो ऐसे हम लोग थक जाते हैं, और 2 लाइन चेंज करना है, देन हम पहुँचेंगे तो और लेट हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा ओला में जाते हैं, बेटर रहेगा। एक भी बार ओला में नहीं गए हम लोग अभी तक, हम लोग ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। सो अभी वैसे भी ज़्यादा दिन है नहीं हम लोग दिल्ली में, चलो आज हम लोग DLF जाएंगे, वहाँ पे हम लोग खाएंगे पिएंगे और आपको भी घुमाएंगे। चलिए हमारे साथ DLF साइबर हब, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, हम लोग आ गए अंदर, और हम लोग हैं अभी कान चाचा में। अभी कान में मतलब क्या, थोड़ा सा मेरा ये हो गया प्रोनाउंसिएशन, कान चाचा में। और मैंने जो इयरिंग पहनी थी ना, उसका जो बैक साइड का होता है वो नीचे गिर गया किधर, तो पैसा मेरे साथ हमेशा होता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने स्पेयर इयरिंग था हमारे पास, तो मैंने पहन लिया फटाक से। 50 रुपीज के क्या हो, नहीं ना, महंगे वाले हैं ना। हाँ, पता नहीं पीछे का ऐसा क्यों गिर रहा है ऐसा बार बार मेरे को, मेरे ऐसे 2-3 इयरिंग्स के साथ हो गए, मुलायम हो गए तेरे कान लगते हैं। एक ही साइड का, लेकिन दूसरा साइड का नहीं होता है। सो गाइस, वी ऑर्डर्ड, सो वी, हाँ मेरे को फील हुआ ना इधर अटक गया था बाल में, इसके लिए। सो गाइस, वी ऑर्डर्ड चिकन सीख कबाब, एंड यहाँ पे वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं वैरायटी, बिरयानी एंड रोल वो सब है, लेकिन वो नहीं खाना है हमें अभी, नहीं खाना है। चिकन सीख कबाब ये दो ही है मेन, पेरी पेरी ये सब तीखा वाला इतना खाना है, हम लोग का गला तो इधर पूरा दुख रहा है ना। सो वी ऑर्डर्ड फॉर सीख कबाब, एंड ऑल्सो कुछ इंसिडेंट हुआ है जो आपको मैं बाद में बताऊंगी विस्तार में, प्लीज़ देखते रहना। और बाजू में थियोस भी है, आई एम जस्ट डेस्परेटली वेटिंग कि इधर खाना फटाफट ख़त्म हो और मैं वहाँ पे जाऊँ, ताकि वहाँ पे केक जो है मेरा आउट ऑफ स्टॉक खत्म ना हो जाए, सोल्ड आउट ना हो। पार्सल भी, मैं भी पार्सल लूँगी, लेकिन पार्सल वो भी कल तक कैसे रहेगा मेरे को नहीं मालूम, रात में खाऊंगा ना जाके होटल से। सो चलिए अभी खाते हैं और आपको फिर मिलते हैं। सो गाइस, खान चाचा में हमने खाए सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, एंड और कुछ खाया नहीं। वैसे भी मूड ऑफ था, टाइटल से आप समझ ही गए होंगे मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने अंदर आते टाइम कोई भी वीडियो कुछ ही भी नहीं बनाया, डायरेक्टली हम गए खान चाचा के उधर, उसके बाद वीडियो ऑन किया था, एंड बाजू में फिर थी उसके उधर गए, जो कि मेरा फेवरेट केक है ब्लूबेरी चीज़ केक, एंड सागर का बेल्जियन चॉकलेट केक। लेकिन गाइस, पता नहीं क्यों ये इतना टेस्टी नहीं लगा मुझे, जैसा मैंने फर्स्ट टाइम खाया था मुझे बहुत टेस्टी लगा था, ये वैसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी टाइम पहले बना के रखा है, इसीलिए इतना सॉफ्ट नहीं था। तो और या तो हो सकती कि मेरा मूड भी ऑफ था, उसकी वजह से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये। एंड उसके बाद हमने ऑर्डर किया पेने अराबिया था पास्ता, टेस्टी थी, ठीक ठाक थी, नॉट दैट ग्रेट बट ठीक ठाक ही थी। एंड अभी हम लोग आपको नेक्स्ट क्लिप में आपको अच्छे से विस्तार में बताएंगे कि क्या एक्चुअली हुआ, जिसकी वजह से हमारा मूड ऑफ हुआ, एंड हम ज़्यादा देर बैठे नहीं वहाँ पे, हम निकल गए थे।
जो सोच के आए थे वो तो पूरा, मतलब बोलते हैं ना कि कभी कभी आप सोच के आते हो कि ये करेंगे वो करेंगे घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आपका मन निकल जाता है, आपका मन उदास हो जाता है। तो ये हमारा होटल, चलिए देखते क्या इंसिडेंट। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, अभी वहाँ पे ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ था नहीं ना, अभी क्या ही दिखाया आपको, थोड़ा थोड़ा मैंने दिखाया। एंड एक और बात कि हम लोग का तो आधा मूड वहाँ पे पहले हो गया था, पहले मूड ऑफ हो गया था जब उन्होंने एंट्री किया तभी। सो एंट्री के टाइम पे वहाँ पे चेकिंग करते हैं, सो गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेट सेपरेट होते हैं, तो मेरा चेकिंग हो गया तो मैं आगे निकल गई। तो मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि सागर किधर है, सागर तो नहीं है, सागर पीछे ही था कैमरा लेके। क्यों सागर? क्योंकि मैं एक्चुअली जो हम कैमरा से शूट करते थे, हम कैमरा लेके गए थे G7X नॉर्मल व्लॉगिंग वाला कैमरा, तो मेरे हाथ में ही था वो, क्योंकि मैं बैग नहीं कैरी कर रहा था। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने चेकिंग की, बाद में मेरे हाथ में देखा तो बोला सर कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं बोला कैमरा अलाउड नहीं है ऐसा क्यों, कुछ अलग लग रहा है एकदम, कैमरा अलाउड नहीं है। मैं बोला इनको कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैं बोला नॉर्मल कैमरा है भैया ये। तो बोला नहीं सर कैमरा अलाउड ही नहीं है कोई भी। एक बार बोला, दो बार बोला, मैं बोला कि तो फिर मैंने पीछे देखा और फिर मैं आ गई, मेरे को लगा ही कुछ के कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने बोला क्या, फिर हम लोगों ने बोला अरे तो फिर वो लोग बोल रहे थे गाड़ी में रख के आ जाओ, हम लोग बोले कि हम लोग टूरिस्ट, हम लोग गाड़ी नहीं है। हम लोग इतने दूर से आए और ऊपर से हम इतने दूर से आए, हम लोग इतना पैसा खर्च करके आए, तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग बोल रहे कि भैया कहाँ रखे बताओ, तो फिर बोल रहे गाड़ी में रखिए आप। मैं बोला अरे भैया हमारे पास गाड़ी नहीं है, अगर आपके पास कुछ लॉकर फैसिलिटीज है कुछ है ऐसा कि नहीं, वो भी नहीं हम लोग के पास, तुम लोग खुद अपना अरेंजमेंट करो। हाँ, हम लोग बोल रहे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी और बात ही नहीं कर रहे, फिर बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर एक लेडी थी वहाँ पे, वो बोल रही थी कि सुपरवाइजर से बात करती हूँ मैं, तो बोला ठीक है। फिर हम खड़े रहे 5-10 मिनट, फिर उन्होंने कॉल लगाया सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने फोन पर मना कर दिया। तो हमने बोला भाई आपका कोई और ऊपर मैनेजर है कोई है उनसे बात करवाइए, कि उनको थोड़ा पता हो कि ये कैमरा वैसा कुछ डेंजरस नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी वाले होते हैं शायद उनको पता नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर सुपरवाइजर को कॉल लगाया, उनको बोला कि मैंने बात, उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, तो मैं वो भी वही बोल रहे कि सर कैमरा अलॉट नहीं है। मैं बोला भैया ठीक है बात बताओ, हम इतने दूर से आए, हम टूरिस्ट हैं, हमको पता नहीं है आपने नोटिस भी डिस्प्ले किया नहीं। लोग बोलते थे गेट नंबर 4 पे लिखा है या 2 पे लिखा है अभी, लेकिन हम लोग तो कौन से गेट से एंटर किया आई डोंट नो, लेकिन वहां पे तो नहीं लिखा। अगर ऐसा है तो हर जगह लिखो ना आप लोग कैमरा अलाउड नहीं है। और अगर कोई स्पेशली चलो यहाँ के लोकल से, तो उन लोगों तो चलो गाड़ी से आते हैं उन लोग मोस्टली ना, तो उन लोग अपना बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन अगर टूरिस्ट है बैकपैकर से तो वो लोग क्या ही करेंगे ना, यू कांट डू एनीथिंग। एकदम हम लोग यहाँ से इतना 20-25 किलोमीटर यहाँ से दूर इतना खर्चा ट्रैवल करके एकदम खराब हो गया उधर, बहुत ही मतलब हम लोग ऐसा लग रहा था। और ऊपर से एक एकदम अजीब सा रूल है कि नॉर्मली कहीं पे ऐसा, हाँ मंदिर हो ये सब हो जगह हमें पता है कि होली प्लेसेस वगैरह में अलाउड नहीं होता, या फिर कोई और जगह है जहाँ पे जैसे अलाउड नहीं होता, बट नॉर्मल मॉल में अगर आप फोन कैरी कर सकते हो, फोन में भी तो कैमरा है, मेरे को वही उनका एक लॉजिक समझ में नहीं आया कि कैमरा क्यों अलाउड नहीं है ना। हम लोग इतना बात कर रहे थे, उन लोग एक ही लाइन में सर अलाउड नहीं है, सर अलाउड नहीं। मैं बोला अरे आप सोल्यूशन बताइए। पूछा क्या, तो फिर वो बोल रहे थे DLF मैनेजमेंट नहीं अलाउड नहीं किया, वो सब उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब उनको इतना नॉलेज नहीं थी, तो लोग सीधा एक ही बोल रहे थे नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है नहीं। हम लोग बोला कोई कंट्रोल रूम है आपका तो वहाँ पे रखवा दो आप लोग, नहीं नहीं है कुछ हम लोग का कुछ अरेंजमेंट से नहीं है, आप लोग देखो। मैंने उनको ये तक बोला कि भैया आप एक काम करिए, आपका ये सिक्योरिटी का जो चेकिंग पॉइंट है यहाँ पे, आप चाहिए तो बैटरी निकाल के रख लीजिए, कैमरा मुझे दे दीजिए, मैं आने के टाइम ले लूंगा। नहीं सर इधर भी नहीं रख सकते कुछ, इधर नहीं है ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा रूड भी लग रहा था। पर हम लोग क्या करें, फिर हम लोग सोच रहे थे कि मैंने पूजा को बोला कि तू चली जा अंदर, मैं बोला तू जाए खा के आ, मैं बोली पागल है क्या, मैं अकेले खा के आऊं अंदर। फिर हम लोग तो स्पेशली गए थे जैसे आपको बताया थियोस के लिए, खान चाचा तो फिर भी चलो मिल जाता है, तो थियोस के लिए गए थे। तो मैंने बोला सागर को, सागर तू 2 केक्स पैक करके लेके आ जाना, एटलीस्ट वो कुछ तो मिले। हम लोग का प्लान वही हो गया, फिर कैंसिल करते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। फिर और सीपी में खाएंगे करके। फिर बाद में क्या हुआ, मैंने सागर को बोला कि सागर हम लोग है ना अलग गेट से एंट्री करते हैं, एंड अभी तूने एकदम कैमरा हाथ में लिया तो दैट इज मोर विजिबल, सो नाउ वी विल कीप इट इनसाइड माय बैग। बैग वहाँ पे इतना मे बी अगर बच सके तो देखते हैं नहीं एक चांस, तो हम लोग को फिर बैग में हम लोग ने रखा। हम लोग को ऐसा कुछ इट वेंट थ्रू दैट मशीन, उन्होंने कुछ बोला नहीं, एंड वी गॉट द एंट्री। हमारा ऐसा कुछ ये नहीं है कि अगर आप रूल सेट कर रहे हो, तो मैंने उनको ये भी पूछा कि आप ऑनलाइन आपने डाला हुआ है क्या कहीं पे लिखा हुआ है, बिकॉज नॉर्मली वो टूरिस्ट लोग चेक करते हैं कि ऑनलाइन चेक करते हैं वहाँ पे कुछ लिखा हो। तो मैंने देखा वहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है ऐसे अबाउट में इसमें मॉल में कि कैमराज आर नॉट अलाउड है ये सब वो सब। किसी किसी ने डाला था ऐसे कमेंट्स में, वो मैंने देखा, बट अभी
जो मैनेजमेंट जैसा वो बोल रहे कि मैनेजमेंट ने लिखा हुआ है तो मैं अपने उसमें लिखा होना चाहिए ना, तो हम खुद से नहीं लिखेंगे। चलो चलो अपना अपना सबका सिक्योरिटी का रूल्स, चलो तुम लोग ने अलाउ नहीं किया ठीक है मत करो, लेकिन तुम लोग एक अरेंजमेंट करो कि अगर लोग लेके आते हैं तो क्या करें ऐसे टाइप में, स्पेशली टूरिस्ट टूरिस्ट लोग। अक्षरधाम टेम्पल में वहाँ पे भी सब अलाउड नहीं, बट वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट दिया है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे कि जबरदस्ती हम लोग को कैमरा चाहिए लेके जाना ही है, नहीं ठीक है नहीं तुम्हारा रूल है ठीक है चलेगा, लेकिन प्रॉपर एक ये करो ना एक फैसिलिटी बनाओ, वो भी नहीं है तो अलाउ करो एंड यू जस्ट राइट इट कि कैमरा शूटिंग इज नॉट अलाउड, कोई पकड़ा तो फाइन लगेगा, दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल आल्सो। उन्होंने बोला भी कि हम लोग अंदर यूज नहीं करेंगे, तो बोला नहीं लेके ही नहीं जा सकते, मतलब एकदम धीट बोलते ना धीट जैसे एकदम वो वैसे ही पूरा नहीं है, मतलब नहीं आओ हमको फर्क नहीं पड़ता मॉल में आओ या नहीं आओ, वैसे भी उन लोग सिक्योरिटी वाले लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों रूल्स है वही उन लोग पालेंगे जब तक उनका कोई बॉस आके नहीं बोलता। सो अभी दिमाग उधर आधा ही खराब हो गया था, फिर अंदर थोड़ा थोड़ा शूटिंग किया हम लोगों ने, खुद आपने देखा होगा नॉर्मल फोन से हमने शूट किया जो भी थोड़ा बहुत, और भीड़ भी इतनी थी सैटरडे नाइट था वैसे भी, तो हम लोग ज्यादा टाइम रुके भी नहीं, हम खाए हमने केक अपना जो है हम लोग सब खाया आपने जो देखा, एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम देयर, जो गला है ना गाइस पूरा खराब हो गया था, मतलब इधर सोलो करने को नहीं होता, इट वाज डिफिकल्ट टू टॉक एंड डू ईट एनीथिंग, तो इसके लिए मैंने वीडियो में कुछ बात भी नहीं किया ज्यादा, बिकॉज गला में ऐसा बात करने को नहीं हो रहा था मेरे को, खाने भी ऐसा मुश्किल मुश्किल से खा रहे थे हम लोग, हम लोगों को ऐसा, इसके लिए हम लोग होटल में आए, वी हैड दाल राइस हियर एंड सागर डिडंट हैड दैट आल्सो, ही ईट दिस मच ओनली बिकॉज उसका दांत पेन कर रहा था। कल मुझे पता नहीं मेरे लेफ्ट साइड में जो मैंने ये करवाया उसका भी रूट कैनाल करवाया था पहले, उसका हल्का सा मुझे सेंसेशन हो रहा था, दैट इज व्हाई मैं इतना खा नहीं पाया, दांत पेन फिर गला भी पेन, तो वही इसको बोल रहा था कि फिर छोड़ दिया खाना पूरा, ये हो गया दिमाग खराब हो गया था, इसके लिए उन्होंने कुछ ज्यादा वीडियो नहीं बनाया कल के दिन ना, और आज हम लोग वीडियो एंड कर रहे हैं गाइस। तो कल का दिन थोड़ा सा ये था, तो अभी हम लोग ऑफ ऑफ था कल का दिन, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज का दिन, आज का हमारा प्लान है वी आर गोइंग टू सदर बाजार पटरी मार्केट, पटरी बाजार संडे, टुडे संडे, तो एक्चुअली सुबह सुबह जाना चाहिए वापस 7 o'clock को, लेकिन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल पर्संस नॉट सर्कमस्टेंसेस, सो हम लोग इसके लिए अभी 10 o'clock हुआ है वैसे, अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, मसाला मैगी लक्ष्मी नारायण टेम्पल जाने का, एंड अभी इतना फिलहाल तो इतना प्लान है, फिर आगे बाद देखेंगे हम कहाँ जाएंगे, सदर मसाला कितना रश रहेगा हम लोगों को नहीं पता, बहुत ही रश रहेगा, अगर ज्यादा बहुत रश होगा तो पूजा ने बोला हम नहीं जाएंगे, बिकॉज एकदम ज्यादा भीड़ में जाना भी अच्छा नहीं है और सेफ रहना चाहिए जहाँ पे भी जा रहे हो, तो चलिए मैं भी नहाने जाती हूँ, अब तक ब्रेकफास्ट आ जाएगा फिर नहा लेती हूँ तब तक, then we'll get ready and then we'll see you guys later, bye bye for now।